हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने रहे पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड के बारे में। पिछले एक महीने में पीसी ज्वेलर्स ने अपने रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी शानदार रिटर्न दिया, लेकिन साथ ही जो दूसरी तरफ जो पीसी ज्वेलर्स की जो मार्केट में जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, जिस वजह से आने वाले समय में पीसी ज्वेलर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करें वो न्यूज़ और साथ ही आने वाले समय में पीसी ज्वेलर्स के क्या टारगेट्स हो गए। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड आज की मार्केट की प्राइस की बात करें तो आज ये हमें 51 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और आज भी आप देखोगे स्टॉक में हमें करीब करीब 7% की जो तेजी का मॉल देखने को मिला। और पिछले एक महीने की बात करें पीसी ज्वेलर्स में तो करीब करीब इस स्टॉक ने अपने रिटेल इन्वेस्टर को 80% के रिटर्न दिए, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन आप देखोगे जो इसका 52 वीक हाई वो 86 रुपीज़ और 52 वीक लो हमें 21 रुपीज़ के आसपास। मार्केट कैपिटल देखोगे तो ठीक ठाक मार्केट कैपिटल, क्योंकि कंपनी पर जो ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ रही मार्केट में, जिस वजह से आने वाले समय में पीसी ज्वेलर्स में हमें काफी ज्यादा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी पीसी ज्वेलर्स पहले भी एक बार इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए जाते जाते रह गई। और अभी भी जो मार्केट में न्यूज़ आ रही, जिस वजह से NCLT में जो इनकी न्यूजेज चल रही है, जिस वजह आने वाले समय में पीसी ज्वेलर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। और अपने अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है आपकी, तो आपको डेफिनेटली पीसी ज्वेलर्स से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से आपको सेल करना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ चल रही है पीसी ज्वेलर्स की। पीसी ज्वेलर्स की जो सबसे पहली न्यूज़ की बात करें, जो अक्टूबर में आप सभी को पता ही होगा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इन्होंने एक लोन लिया था, जो कि करीब करीब 3,400 करोड़ का, जो कंपनी ने जो पीसी ज्वेलर्स ने डिफॉल्ट किया था वो चुका नहीं पाते, जिस वजह से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन्हें इंसॉल्वेंसी के लिए NCLT में जाने की धमकी दी थी, जिस पे कंपनी की कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई बार। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इनको NCLT में जो जाने की धमकी दी थी, जिस वजह से आप देखोगे तो पीसी ज्वेलर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का मॉल भी देखने को मिला। लेकिन उसके बाद ही आप देखोगे तो कंपनी में कंटिन्यूसली जो अपसाइड के जो हमें इंडिकेट दे रहे थे, और ये देखा जाए तो कंपनी की आप सेल्स पर नज़र डालोगे, कंपनी की सेल्स तो कंटिन्यूसली कम ही जा रही, फिर भी आप इसके प्राइस पर बात करोगे तो कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होते हुए भी नज़र आ सकता है, मे बी ये मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन जो न्यूज़ चल रही है इनकी NCLT में, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी अक्टूबर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो 3,400 करोड़ का लोन पे डिफॉल्ट किया, और देखा जाए जो नवंबर में भी कंपनी ने अभी लेटेस्ट देखा जाए तो करीब करीब 1,600 करोड़ का एक जो लोन था उस पर भी डिफॉल्ट जताया, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है पीसी ज्वेलर्स के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ पीसी ज्वेलर्स में जो भी इन्वेस्टर, उनको ऑलरेडी इसमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि कंपनी पे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का मॉल भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए 15 नवंबर की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स हमें करीब करीब 28 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आता है, जब ही इन्होंने जो अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डिफॉल्ट किया था। लेकिन उसके बाद ही आप देखो ये स्टॉक में जो कंटिन्यूसली जो रैली हमें देखने को मिली, तो डेफिनेटली कंपनी में तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपना कैपिटल भी खो सकते हो, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत। जो दूसरी न्यूज़ है जो कि पीसी ज्वेलर्स की, जो जैसे कि मैंने आपको बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो इन्होंने डिफॉल्ट किया था जो अमाउंट पे करीब करीब 3,400 करोड़ पे, तो कंपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NCLT में गई, और NCLT से एक न्यूज़ थी जो भी कंपनी अगर वो चाहे तो सेटलमेंट कर सकती है, जिसपे उन्होंने एक नोटिस भी जाहिर किया था जिसमें वो एक अमाउंट उन्होंने बताया कि पीसी ज्वेलर्स और 13 क्रेडिटर के साथ बोइंग बैग तो सेटलमेंट करने की जो याचिका इन्होंने जताई थी, जिसमें कंपनी ने ऑफर किए थे करीब करीब 2,200 करोड़ एज सेटलमेंट अमाउंट विथ 8.5 इंटरेस्ट रेट ओवर 3 ईयर, और ये ऑफर हुआ था 340 करोड़ के आसपास, और ये अभी तक सेटलमेंट हुआ नहीं, ये खाली NCLT से अभी तक इनका मैटर चल रहा है, अभी तक ये सेटलमेंट हुआ नहीं। अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो कंपनी में आने वाले समय में हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर एग्री नहीं हुई और कंपनी में पीसी ज्वेलर NCLT में चली जाती, तो आने वाले समय में पीसी ज्वेलर्स में हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो देखने को मिल सकता है। पीसी ज्वेलर्स की फंडामेंटल्स पे बात करें तो मार्केट कैपिटल आप देखोगे 2,410 करोड़ के आसपास का मार्केट है, 52 वीक हाई 86 रुपीज़ के आसपास, 52 वीक लो में 21 रुपीज़ का, स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुका है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं, ROE भी आप देखोगे तो कंपनी का माइनस में चला गया, ROC भी देखोगे तो 5% के आसपास, जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू पर आप नज़र डालो 69 रुपीज़ के आसपास है, फेस वैल्यू हमें 10 रुपीज़ के आसपास नज़र आ रही है। स्टॉक हमें देखोगे ट्रेडिंग कर रहा है
फोर टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। डेप्टर डे देखोगे कुछ पॉजिटिव पॉइंट है जो कि इनका एक डेप्टर पॉइंट से डेप्टर डे इनका इंप्रूव है जो कि एक 104 से 63.5 डेज पे आ गए। कंपनी आप देखोगे नेगेटिव पॉइंट्स कुछ ज़्यादा है क्योंकि कंपनी काफ़ी लंबे समय से प्रॉफिट बुकिंग तो करी लेकिन इसकी सेल्स भी आप देखोगे कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। पीसी ज्वेलर्स हमें इन पीर कंपनीज में 7th नंबर पे नज़र आ रही है और जो कि देखा जाए तो एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि इंडिया की जो टॉप 8 कंपनी में पीसी ज्वेलर्स हमें देखने को मिले। सेल्स पे आप नज़र डालोगे तो कंटिन्यूसली आप देखोगे जो सितंबर 2022 तक तो इनकी सेल्स ठीक थी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही लेकिन देखोगे दिसंबर के बाद कंटिन्यूसली इनकी सेल्स कम होती हुई जा रही है और कंपनी पे खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी आप देखोगे स्टॉक में जो प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस पर भी आप देखोगे तो कंपनी की सेल्स ठीक ठाक ही है जो इनकी 2020 में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल्स लेकिन कंटिन्यूसली वैसे इनकी सेल्स कम ही होती हुई नज़र है। कंपनी पे खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा है और कंपनी इतना कुछ भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है और कंपनी में कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला। इक्विटी कैपिटल आप नज़र डालो 466 और रिजर्व पे देखोगे जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के पास 2783 करोड़ के रिजर्व पड़े जो कि स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है लेकिन सामने आप बोरिंग पे भी देखो तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है करीब करीब 4000 करोड़ के आसपास जो कि नेगेटिव पॉइंट। लाइबिलिटीज़ पे भी देखोगे तो इनकी इंप्रूव हुई लाइबिलिटी जो कि हमें 2020 में 4000 करोड़ की थी देखा जाए तो 193 करोड़ के आसपास रह गई अभी जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आप देखोगे जो मार्च में 2022 में माइनस में था जो कि अभी हमें प्लस में आते हुए नज़र आ रहा है। तो देखा जाए तो स्टॉक में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स कंपनी में कुछ ज़्यादा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर देखोगे तो प्रमोटर्स ने काफ़ी लंबे समय से अपना स्टेक बरकरार रखा है। FIs की होल्डिंग देखोगे जो बड़ी थी लेकिन आप देखोगे सितंबर में 2023 में आते कम हो गए। DS की होल्डिंग भी आप देखोगे जो कि हमें 0.1% की कमी जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक ही पड़ी हुई अभी भी DS की होल्डिंग। तो देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। FIs और DS ने भी अपना भरोसा PC ज्वेलर्स में बरकरार रखा है। तो PC ज्वेलर्स में आप देखा जाए तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जो नेगेटिव पॉइंट है जो NCLT में इनका जब तक मैटर सेटलमेंट नहीं होता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक तब तक ये स्टॉक में हमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। PC ज्वेलर्स में जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिली। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हमारे दूसरे पैनी स्टॉक्स पर भी नज़र बना सकते हो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जहाँ से आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जन अर्न कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।